हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीमर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम फरवरी माह के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनको लेके आए हैं। दोस्तों, सारे चुने हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 150 क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, हम केवल दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको एक बार बता देता हूँ, हमारी जो चैनल है उस पर एक जीके ट्रिक का बाप 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। आप जाके वहां पे सभी वीडियोस को चेक कर सकते हो और ट्रिक के माध्यम से जो भी जीके है उनको याद कर सकते हो दोस्तों। ये हमारा चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो ये क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में रहेंगे दोस्तों। शुरुआत में कुछ हमारे स्टैटिक जीके है, यानी कि है तो करंट अफेयर ही लेकिन वन लाइनर है। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान मैथ्यू सत्या बाबू का निधन है। निधन हो गया दोस्तों इनका, मैथ्यू सत्या बाबू का, प्रख्यात पंजाबी लेखक। ये सारे दोस्तों श्रद्धांजलि है जिनका निधन हुआ है इस महीने। प्रख्यात पंजाबी लेखक, उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का निधन, इनका भी निधन हुआ है दोस्तों। प्रख्यात उर्दू कवि अजमल सुल्तानपुरी का भी निधन हो गया है इस मंथ फरवरी माह में। जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर दिलीप कौर टिवाना निधन हो गया है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार विद्या बाल का निधन भी हो गया है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन में ये जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट, उनमें पूछा जाता है हाल ही में अजमल सुल्तानपुरी का निधन हो गया है, तो वे किस फील्ड से संबंधित थे, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आप बता दें कि उर्दू, ये उर्दू क्षेत्र से, उर्दू के कवि थे ये, पंजाबी लेखक उपन्यासकार थे जसवंत सिंह। तो आप इनको याद जरूर करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। असम विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के मौजूदा विधायक प्रवण कुमार गोगोई का निधन भी हो गया है। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल एराप मोई का निधन, ये आप सारे इनको याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि इंपोर्टेंट है सारे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे सारे बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। ये कुछ हमारी, यानी कि जो बुक्स है, जो तो फरवरी माह में जो बुक्स रिलीज हुई है उनके फोटो दिए हुए हैं। मेड इन इंडिया, मिलिंद सोमन, ये इसने लिखी हुई है। मंदिरा बेदी, हैप्पी फॉर नो रीजन, ये सत्यदेव बर्मन ने लिखी है दोस्तों। गांधी हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम, ये एमजे अकबर ने लिखी है दोस्तों। बैड मैन, गुलशन ग्लोवर, इनको आप देख लेंगे दोस्तों क्योंकि सारी इंपोर्टेंट बुक्स हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मोबाइल प्रीमियम लीग यानी कि एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? कौन है? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यानी कि स्ट्रेटेजी के बनती है, मैं आपको बताता चलूंगा। केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज को अपने हेयर कलर ब्रांड इंडिका के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किस देश ने भारत में 4 मिलियन पाउंड लगभग 37 करोड़ रुपए का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है दोस्तों? किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? कालका दिल्ली शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, जो भी आंसर है वो आपको जो ब्लैक कलर में जो हाइलाइटेड है वो आपको दिख जाएगा कि आंसर इसका क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? किसको दिया गया? रानी रामपाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजय बिसारिया को किस देश के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? किस देश के लिए? कनाडा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, अजय बिसारिया को जो उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, किस देश का किया गया है? कनाडा का। आईबीएम के मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? अरविंद कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉल बॉय और गर्ल्स चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में इको फ्रेंडली टी शर्ट पहन रहे हैं, किस कंपनी ने इन टी शर्ट्स का निर्माण किया दोस्तों? किसने किया है? एनसी जोन्स एंड सन्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
विश्व कुष्ठ दिवस 2020 कब मनाया गया था दोस्तों? कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसको किया गया है? गीता सबरवाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों? कौन सा रहा? असम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिक्की यानी कि FCCAI ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत अनुमानित किया है दोस्तों? कितने प्रतिशत? 5%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विनय मोहन कात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों? किस देश में? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा निर्मित खादी कलाई घड़ियों का सीमित संस्करण लॉन्च किया है दोस्तों? किस कंपनी का? टाइटन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। 2019-20 पैन गैरी लोंगकेस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? यूसुफ जमील को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 9 का नोवा संस्करण आयोजित संस्करण आयोजित किया गया यानी कि एडिशन? कौन सा नोवा एडिशन किसके साथ था दोस्तों हमारा? ये बांग्लादेश के साथ यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये संयुक्त जो अभ्यास है ये किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोवा 2020 राष्ट्रीय खेल के शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों? क्या है? रूबी गुला। रूबी गुला इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन फ्रूट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है दोस्तों? किस राज्य ने? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसको किया गया है? एम अजीत कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद तौफीक अल्लवी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों? किस देश का? इराक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने आईबॉक्स नाम से एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा शुरू की है दोस्तों? किसने की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने और हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? 100। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं एक बार निशान लगा देता हूँ दोस्तों, यानी कि जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की है 2020 तक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया था दोस्तों? कब मनाया गया था? 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? सोफिया केनन को, केनिन ने। किस राज्य सरकार ने डायरेक्ट CTO नामक एक पहल शुरू की है जिसके तहत 3 श्रेणी के उद्योग सरकार से तुरंत मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? किस सरकार ने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ बीच में वन लाइनर क्वेश्चन आ गए, एक बार इनको देख लेते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट भाषण में कश्मीरी कवि दीनानाथ कोल नदीम की कविता भी पढ़ी। पंडित दीनानाथ कोल नदीम कश्मीरी के अलावा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी लिखते थे कविताएं। दीनानाथ कोल का जन्म 1916 में श्रीनगर में हुआ था और 1988 में निधन हो गया था। 1986 में उन्हें अपनी कविता संग्रह सीहिल कुल के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। ये जो कविता है जो उन्होंने बोली थी वो लिखी हुई है, आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रुसेल्स में प्रतिष्ठित आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? किसको किया गया? प्रताप चौहान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्रुसेल्स में प्रतिष्ठित आयुर्वेद रत्न अवार्ड। किस राज्य ने ISR पेंशन अनुका योजना शुरू की है दोस्तों? किस राज्य ने? ऑप्शन नंबर बी
आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पद भार ग्रहण किया दोस्तों? किसने किया है? प्रमोद अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन इंदौर और किस शहर के बीच शुरू की गई है दोस्तों? इंदौर और वाराणसी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाचार पत्र मूक नायक जिसने हाल ही में 100 साल पूरे किए हैं दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? किसको? दीपा मलिक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 14,000 रन पार करने वाले कितने भारतीय बल्लेबाज बन गए दोस्तों? 8वें भारतीय बल्लेबाज बन गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोपाल बगले को किस देश के लिए भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया दोस्तों? किस देश के लिए? श्रीलंका के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, कल मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज पहले पार्ट को जरूर देखें शुरू से लेके आखिरी तक। और दोस्तों नोट भी करते चल सकती है अगर आपको कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखी जाएगी, केवल आप अपने नोट से ही रिवाइज कर सकते हो। 100 T20 मैच खेलने वाले तीसरे पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं दोस्तों? कौन बने हैं? रॉस टेलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत और किस देश ने अडू एटोल के 5 द्वीपों में एडू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? भारत और किस देश ने? भारत और मालदीव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का सद्भावना राजदूत किसे बनाया है दोस्तों? किसको बनाया है? सौरभ गांगुली को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों। वार्षिक एककोशी पुस्तक मेला याद रखें दोस्तों, जो भी रेड कलर से जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको आप जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो केवल आप ये जो वर्ड है ये याद रखेंगे तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे। मेला किस देश में आयोजित किया जाता है दोस्तों? किस देश में? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन दोस्तों एक रेड कलर है, देख लो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी रेड कलर का एक कुछ वर्ड्स है, यहाँ पे भी रेड कलर से कुछ वर्ड्स है, इनको आप जरूर याद रखें। भारतीय नौसेना ने किस शहर में तटीय सुरक्षा अभ्यास मातला अभियान आयोजित किया है दोस्तों? किस शहर के तट में? कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कला महोत्सव काला घोड़ा का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? किस शहर में? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। 2022 में कौन सा देश G20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी करेगा? भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा देश एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य बन गया है दोस्तों? कौन बन गया है? मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों की महत्ता बनाए रखने के लिए लिहाज से किलो पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया दोस्तों? किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मिलिंद सोमन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व कैंसर दिवस 2020 का विषय क्या रहा दोस्तों? आई एम एंड आई विल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ लाइन से लाइन नीचे दी हुई है। फीमेल जेनेटिक म्यूलेशन के जरिए जीरो टॉलरेंस महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो इसकी थीम थी वो थी अनलीजिंग यूथ पावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 81वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी हरमित देसाई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। महिलाओं की श्रेणी में हरियाणा की सुतीर्था मुखर्जी ने खिताब जीता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2019 के लिए टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में
में किसे नामित किया गया दोस्तों, किसको? ऑप्शन नंबर सी राम सेवक शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस राज्य ने राज्य में सभी प्रकार के ऑनलाइन लॉटरी स्कीम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? किस राज्य ने? हरियाणा, पंजाब ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक लापता महिलाओं की संख्या दर्ज की है दोस्तों? किस राज्य ने? ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र ने। इसमें देख सकते हैं दोस्तों नीचे एक रिपोर्ट दी हुई है, सबसे अधिक लापता महिलाएं पहले पे महाराष्ट्र है, तो सेकंड पे पश्चिम बंगाल है, और थर्ड पे मध्य प्रदेश है दोस्तों। और सबसे अधिक लापता बच्चे पहले पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, और थर्ड पे बिहार है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य ने राज्य में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार तथा शोषण, बाल शोषण के खिलाफ जन चेतना का संदेश देने के लिए मुक्ति कारवां संदेश रथ की को हरी झंडी दिखाई है दोस्तों? किस राज्य ने? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान ने। किस मंत्रालय ने संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों? किस मंत्रालय ने? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते आगे बढ़ते दोस्तों। द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार के लिए किसे नामित किया दोस्तों? किसको किया है? शक्तिकांत दास को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में किसानों को सिंचाई के लिए दुर्बद जल मुहैया करने और बिजली पैदा करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों? किस जिले के? कठुआ जिले के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्योहार अंतःप्रज्ञा 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों? किस राज्य में? ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बैडमैन किस व्यक्ति की आत्मकथा है दोस्तों? ये तो आप पहचान भी सकते हो दोस्तों ऑप्शन देख के, कि जो पुरानी मूवी आती थी उनमें बैडमैन कौन बोलता था दोस्तों? बैडमैन, तो दोस्तों ये किसकी है? गुलशन ग्लोवर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आप याद रखेंगे पुस्तक का नाम बैडमैन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST डिजिटल रूप से पुम्पुहार पोर्ट शहर का पुनर्निर्माण कर रहा है, इस शहर को किस वंश ने स्थापित किया था दोस्तों? किस वंश ने किया था? चोल राजवंश ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस देश की फिल्म बेबेंको टेल मी वेन आई डाई को 16वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म को गोल्डन कोच पुरस्कार मिला है दोस्तों? किस देश की है ये फिल्म? ब्राजील की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? वसीम जाफर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा देश 2021 में प्रशांत द्वीप समूह सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों? कौन करेगा? जापान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? कौन सा स्थान रहा दोस्तों? 40वां, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है दोस्तों? किसने? मोंद्रेटी श्रीधर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस राज्य ने जनसेवक योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार की सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी दोस्तों? किस राज्य ने की है? कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने हाल ही में जेबेल अली क्षेत्र नामक एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की है दोस्तों? किस देश ने की है? UAE ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत अनुमान लगाया दोस्तों? कितने प्रतिशत? 4.9%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है दोस्तों? किस राज्य के? किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे दिसंबर तक भारतीय नौसेना को सौंपा दिया जाएगा, तो दोस्तों इसका नाम क्या है? करंज, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारत में बच्चों के शोषण को कम करने के लिए बाल संरक्षण कोष को लॉन्च किया दोस्तों? किसने किया है? प्रिंस चार्ल्स ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए किसे वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किया है दोस्तों? किसको किया है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एन एस धर्म सक्तू को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों इसके सेकंड पार्ट को मैं कल अपलोड कर दूंगा और दोस्तों उसको भी जरूर आप चेक करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये इसका चैनल हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये इसका कोड है, आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहां से इसको आपको इस जो ये वीडियो थी इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।